बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। जी, आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था यूपी बोर्ड से, जी, चौथा स्थान प्राप्त किया, कितनी खुशी है आपको, किस तरह से तैयारी की थी? घर वाले बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने नहीं सोचा था कितना आएगा, मैं सोच रहा था कि 95% तो के आसपास तो आ जाएगा, लेकिन 2% और बेहतर हो के आया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितनी तैयारी की थी आपने? जी, मैं घर पर 10-12 घंटे पढ़ता था और पूरा स्कूल का भी बहुत ज़्यादा सहयोग था, घर पर भी 10-12 घंटे पढ़ता था और उसके बाद यही मेरी दिनचर्या थी। 6 और 7-8 महीने से यही दिनचर्या थी। अभी मैं आगे क्या इच्छा है बनने की? आगे मैं सिविल लाइन में जाना चाहता हूँ, सिविल सर्विस में। जी, IAS बनना चाहता? जी, UPSC का एग्जाम देने। क्या नाम है आपका? हमारा विश्वास प्रकाश गुप्ता। कृषि विभाग में मैं कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। बेटा टाप किया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मेरा खुशी का अब ठिकाना नहीं रहा। सभी माता पिता का यही ध्येय रहता है कि इनका बच्चा अच्छा से पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने, समाज में उसका नाम हो, देश में नाम हो, प्रदेश में नाम हो, और इसी के साथ मैं इनका सुखद भविष्य का मनोकामना चाहता हूँ कि ये अच्छा इंसान बने, अच्छा देश हित में कार्य करे, अपने देश का विकास का कार्य करे, अपने माता पिता का सेवा भी करे और विकास, देश का विकास में ये अग्रसर रहे। क्या बनाना चाहेंगे बेटे को? अब इसके ऊपर निर्भर है कि ये क्या बनना चाहता है लड़के के। हमारा माता पिता का तो ध्येय आता है कि ये ऊंचा से ऊंचा पद को प्राप्त करे, अब इसकी ऊपर मेहनत के ऊपर जितना सफलता कर सके, इतना ऊंचा, जितना ऊंचा से ऊंचा पद पा सके, यही मेरा अभिलाषा है।